दोस्तों, क्या आपके पास में बहुत सारे खराब कैपेसिटर है और आप उसे दोबारा से यूज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। देखिए, कैपेसिटर जो है टू टाइप से ख़राब होते हैं। पहले टाइप के अंदर क्या होता है, या तो कैपेसिटर पूरा लूज़ हो जाएगा या तो फिर वो फट जाएगा। और जो दूसरा टाइप होता है, जिसके अंदर कैपेसिटर की जो ओरिजिनल वैल्यू रहती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि 10 UF का यहाँ पे कैपेसिटर है और आपने उसे चेक किया तो उसका वैल्यू आ रहा है 5, 6 या 7, तो इस तरह के कैपेसिटर जो है वो डबल से हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा किस तरह बताया है काम में लेना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो कैपेसिटर के अंदर UF और MFD लिखा होता है, ये दोनों भी जो है एक ही है। MFD जो है ये माइक्रोफेरेड होता है, और जो UF जो है, यू के अंदर जो वो सिंबल रहता है वो माइक्रो का सिंबल है, तो ये दोनों एक ही है, इसमें आपको जो है कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप जो है कैपेसिटर को इस्तेमाल में ले सकते हो। तो देखिए, आपको यहाँ पे सबसे पहले तो एक मीटर चाहिए होगा, जिसके अंदर कैपेसिटर चेक करने का ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास मल्टीमीटर या क्लैंप मीटर होगा तो उसके अंदर आप ये चेक कर लीजिए है कि नहीं ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए, आप इसे सीरीज से टेस्ट नहीं कर पाओगे, नहीं तो उसमें जो आपका वैल्यू या तो कम या ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए आपको जो मीटर ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कैपेसिटर के वैल्यू में से सिलेक्ट कर लिया है, NF आपको दिख रहा हुआ, ये कैपेसिटर की वैल्यू है 9 Farad। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे 0-0 कर देता हूँ। अभी हमारा जो मीटर है, अभी उसे हम चेक कर लेते हैं परफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक कैपेसिटर है 50 MFD का, तो ये जो है न्यू वाला कैपेसिटर है, आपको मैंने चेक करने के लिए यहाँ पे बताया है, यहाँ पे 50 UF लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे हम इसे टेस्ट कर लेते हैं हमारा मीटर जो है काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आपको जो है दोनों प्रॉप इसके कैपेसिटर पर लगा देनी है वायर पे, और यहाँ पे 1-2 सेकंड होल्ड करना, तो देख सकते हो यहाँ पे 50 यहाँ पे लिखा आ गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा UFB लिखा आया है। ठीक है, तो UF बोले तो माइक्रोफेरेड होता है, तो यानी कि हमारा जो मीटर है परफेक्ट काम कर रहा है। आप चलिए इस 50 MFD वाले कैपेसिटर को हम साइड में रख देते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास ये ख़राब वाले कैपेसिटर है, जिसके अंदर ये 2.5 UF के जो कैपेसिटर है, ये जो हमारे फ़ैन के अंदर यूज़ होते हैं, ये भी ख़राब हो चुके हैं। तो हम इसे किस तरह चेक करेंगे वो देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू 2.5 है, लेकिन अभी हमारा जो मीटर क्या शो करता है देखते हैं हम। तो यहाँ पे 2.3 UF यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि इसके अंदर 2 पॉइंट ये लूज़ हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसे लिख लेते हैं, इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू वो तो 2.5 है, लेकिन यहाँ पे अभी हमने इसे चेक किया तो ये 2.3 UF भर रहा है। ओके, इस तरह से हमारा जो दूसरा वाला कैपेसिटर है 2.5 MFD का, यानी कि माइक्रोफेरेट का, तो देखिए इसका भी जो वैल्यू है, अभी देखते हैं यहाँ पे 2 सेकंड होल्ड करते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं 1.8 यहाँ पे आ चुका है, यानी कि इसका जो वैल्यू है 1.8 है अभी, और इसका जो ओरिजिनल वैल्यू था वो 2.5 था। तो अभी ये भी जो है लूज़ हो चुका है। अब इसे कैसे इस्तेमाल में लेना है सब आगे कुछ मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास ये नल के मोटर के कैपेसिटर है, तो इसका वैल्यू जो है 15 UF था, और यहाँ पे इसका हम चेक करने के बाद देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे इसका वैल्यू आ रहा है 8.4 UF। ठीक है, ये भी लूज़ हो गया, यानी कि आधा ही हो गया सीधा। 15 इसका ओरिजिनल वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे हमने चेक किया तो 8.4 UF आ रहा है। तो यहाँ पे हम इस पर लिख लेते हैं कि ये 8.4, अभी 8.3 जो भी है इसका वैल्यू अभी हम लिख लेते हैं। ओके, आप देखिए यहाँ पे जो हमारा ये एक और कैपेसिटर है मेरे पास में, जो कि 10 UF का है, और इसका हम ये वैल्यू अभी चेक करते हैं कितना आता है। ये भी ख़राब हो चुका है कैपेसिटर है, तो इसका जो अभी वैल्यू आ रहा है वो है 7.3 UF। तो यानी कि ये जो है लगभग 3 पॉइंट यहाँ पे लूज़ हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसका भी लिख लेते हैं 7.3। आप देखिए, आपको इसे कैसे इस्तेमाल में लेना है वो देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 2.5 MFD का ये कैपेसिटर है, इसकी जो वैल्यू है, अगर अभी दोनों को कॉम्बाइन करते तो यहाँ पे देखिए मैंने एक और कैपेसिटर को ऐड कर दिया है, जिसके अंदर ये भी 2.5 का था, लेकिन बहुत ज़्यादा लूज़ था ये, तो मैंने सोचा इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो 1.2 UF ही बाकी रह गया है, 2.5 में से ये 1.2 ही बाकी रह गया, इतना ज़्यादा लूज़ हो चुका है। तो इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे, और ये देखिए, तो ये वाला जो कैपेसिटर है और एक 2 पॉइंट, ये दोनों वाले को मैं ले लेता हूँ, और इसको हम जो है कॉम्बाइन करते हैं दोनों को, और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, यानी कि कितना MFD ये बनता है। अगर ये 2.5 या 3 बनता है तो हम इसे जो है फैन के अंदर दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें ये जो दोनों जो है लगा के रखना होगा। तो देखिए, आपको इस तरह से लगाना है, ये आपको सीरीज में नहीं लगाना है, पैरेलल लगाना है, इसे पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। आप चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है अभी, तो अभी देख सकते हो 3 यहाँ पे इसका वैल्यू आ रहा है 3 UF, 2.93, तो यहाँ पे हम 3 मान लेते हैं इसे, 3 UF यहाँ पे इसका वैल्यू आ रहा है। तो यानी कि जो हमारे फ़ैन के अंदर यूज़ होता है वो तो 2.5 UF यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे 5 थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अब जो है हमें दोनों 2.5 जिसकी वैल्यू थी यहाँ पे 2.3 और 1.8, इसको हम चेक करके, यानी कि इसको दोनों को कॉम्बाइन करते हैं एक में, और फिर देखते हैं इसका वैल्यू कितना आ रहा है, और ये हमें किस में इस्तेमाल, यानी कि कौन से मोटर में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसका जो वैल्यू आने के बाद में। तो अभी हम इसे चेक कर लेते हैं यहाँ पे, इसके मैंने प्रॉप लगाया है मीटर की,
और आप इसका वैल्यू देख सकते हो 4 UFRI, यानी कि हम इसे जो हमारा कूलर का मोटर है उसके अंदर इसे यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने आपको बताया है इसका यूज़ करके, तो वो भी लास्ट में आपने देख लेना है कि कैसे मैंने इसको यूज़ किया है। अब चलिए आ जाते हैं हम जो हमारे नल के मोटर का कैपेसिटर है, यानी कि वाटर मोटर का। तो इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो तो 10 है, लेकिन यहाँ पे हमने चेक किया था 7.3 भर रहा था। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये 2.3 वाला मिला देते हैं और फिर देखते हैं इसके अंदर कितना यहाँ पे वैल्यू बन रहा है। अगर ये 10 बन जाता है या फिर 9 बन जाता है तो जो है हम इसे दोबारा से नल के मोटर में यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे मैंने दोनों प्रॉप को लगा दिया है और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं 2 सेकंड और देख सकते हैं 9.17 ऐसा कुछ आ रहा है, यानी कि 9 UF का यहाँ पे ये कैपेसिटर बन चुका है। तो यहाँ पे हम इसे जो है 1 UF कम यहाँ पे, लेकिन हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 2.5 वाला थोड़ा सा अगर बढ़ा दूंगी यहाँ पे तो ये जो कैपेसिटर है डबल से काम में आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि ये 15 UF वाला ये तो बहुत ज़्यादा लूज था, यानी कि इसमें 8.3 बढ़ रहा था। तो अब चलिए इसको हम जो है दोनों को कॉम्बाइन करते, जो 10 वाला है और 15 वाला है। वैसे तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू 10 और 15 25 होती है, लेकिन दोनों ये लूज़ है तो ये दोनों कॉम्बाइन करने के बाद में इसका जो वैल्यू कितना बनता है देखते हैं हम। 15 या 14 बनना है यहाँ पे, 14 या 15 बनना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे 14.95, यानी कि पूरा यहाँ पे 15 भर रहा है, 15 UF। तो ये जो है हम ये भी 1 HP का जो मोटर आता है उसके अंदर हम ये नल के मोटर में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमें पूरे कैपेसिटर चेक करके आप जो है दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो। आपको जो है वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे चेक करना होता है। अगर आपके जैसा नल का मोटर है या फिर फैन है या फिर कोई दूसरा मोटर है तो इस तरह से आप जो है पूरा चेक करके उसको जो है दोबारा से इस्तेमाल में ले सकते हो। आप देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने जो पहले 2 कैपेसिटर यहाँ पे चेक किया था जिसका वैल्यू दोनों को मिलाने के बाद में 4 UF आ रहा था, यानी कि 4 माइक्रोफेरेड। तो इसको जो है मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हम लास्ट के अंदर इसको चेक करेंगे, यानी कि मुझे लगाना है ये एक कूलर की मोटर में। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह लगाना है। तो दोनों को मैंने कॉम्बाइन कर दिया है, दोनों कैपेसिटर के वायर को, और देखिए पैरेलल लगाने के वायर जो है इस तरह से पैरेलल कनेक्शन होते हैं ये पैरेलल। अब देखिए लगाने के बाद में यहाँ पे 4.UF यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 4 पकड़ लेते इसी तरह से 4 UF यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। अब चलिए ये देखिए यहाँ पे एक कूलर का मोटर है जिसका कैपेसिटर ख़राब हो गया था, तो इसके अंदर मैंने ये दोनों कैपेसिटर लगा दिया। ये वही कैपेसिटर देख सकते हो यहाँ पे 2.3 लिखा हुआ है, ये 2.5 mA के वही दोनों कैपेसिटर है जो कि लूज हो गए हैं। और दोनों को कंबाइन करने के बाद में इसका जो ओरिजिनल वैल्यू बन गया था वो 4 UF बन गया था। तो ये कूलर के मोटर के लिए सही होता है। तो चलिए इसे हम जो एक बार ऑन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा जो फैन है वो, यानी कि जो हमारी मोटर है वो बराबर घूम रही है। तो इस तरीके से दोस्तों जो है आप जो भी आपके कैपेसिटर लूज़ हो चुके हैं उसे दोबारा से इस्तेमाल में ले सकते हो। तो भी फैन वगैरह सही तरीके से घूम रहा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो देख सकते हो फैन अपना जो है सही तरीके से घूम रहा है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं इसके अंदर ये कैपेसिटर लगा दूंगा क्योंकि इसमें मुझे कैपेसिटर लगाना था। तो अब मैं ये जो है 4 mFD का बन चुका है, तो अब मैं यही रहने दूंगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।